गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर्स हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट 8 हिंद महासागर का मोती मॉरिशियस के प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पाठ में लेखक किस जगह की व्याख्या कर रहा है? जो लेखक है पाठ में किस जगह के बारे में बता रहा है? उत्तर, पाठ में लेखक मॉरिशियस द्वीप की व्याख्या कर रहा है। जो लेखक है वो पाठ में मॉरिशियस द्वीप के बारे में बता रहा है। प्रश्न 2, मॉरिशियस कैसा द्वीप है? पाठ के आधार पर विस्तार से बताइए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि मॉरिशियस जो है वो कैसा द्वीप है। आप पाठ के आधार पर खुलकर बताइए। उत्तर, मॉरिशियस हिंद महासागर में स्थित एक हरा भरा द्वीप है। जो मॉरिशियस है वो हिंद महासागर में स्थित है और ये हरा भरा है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर हमें हरियाली नज़र आती है, हरा भरा नज़र आता है। यह बहुत ही शांत और सुंदर द्वीप है। ये जो द्वीप है बहुत ही शांत है, यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं है और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चारों ओर दूर क्षितिज तक हरियाली छाई हुई है। चारों तरफ जहाँ जहाँ तक दूर हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर क्या है, हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। आम, पाम, नारियल के वृक्ष बहुत वृक्ष हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ पर आम, पाम, नारियल के बहुत सारे वृक्ष हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है खेती है। यहाँ पर लोग जो है खेती करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिसमें गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है। मतलब कि जो मॉरिशियस है इसमें गन्ने की जो खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। और यहाँ का मौसम भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? नवंबर से अप्रैल तक गर्मी होती है और मई से अक्टूबर तक सर्दी। प्रश्न 3 है, मॉरिशियस की वनस्पति पर टिप्पणी लिखिए कि वहाँ की वनस्पति के बारे में आपको बताना है। उत्तर 3, मॉरिशियस में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। मतलब कि जो मॉरिशियस है वहाँ पर नारियल के जो पेड़ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर आम, छितवर, पाकड़, पीपल, नीम, इमली, चीड़ और गुलमोहर के पेड़ भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ जंगलों में चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं। प्रश्न 4 है बच्चों, मॉरिशियस की सड़कों की क्या खूबियाँ हैं? जो मॉरिशियस में जो सड़कें हैं उनकी खूबियाँ क्या क्या हैं आपको ये बताना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर 4 है, मॉरिशियस की सड़कें खुली, चौड़ी व साफ हैं। जो मॉरिशियस की सड़कें हैं वो बहुत ही खुली खुली हैं, ठीक है, चौड़ी है, ठीक है, यानी कि पतली पतली हैं, बहुत ही चौड़ी हैं, ठीक है। और सबसे अलग बात क्या है, वहाँ की सड़कें बहुत ही साफ़ हैं। वहाँ पर बिल्कुल भी गंद, ठीक है, या फिर कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं है। वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही साफ़ है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं और सड़कों पर शोर बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न 5 है बच्चों, मॉरिशियस के गांव में के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। देखिए बच्चों, अब आपको ये बताना है कि मॉरिशियस के जो गांव हैं वो कैसे हैं, उनके ऊपर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, कुछ लाइनें लिखनी है। उत्तर 5, मॉरिशियस के गांव में छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। मतलब कि जो मॉरिशियस के गांव हैं उसमें जो घर हैं वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, मगर वो छोटे छोटे घर भी बहुत ही साफ सुथरे हैं और बहुत ही सुसज्जित है। मतलब कि वहाँ के लोगों ने अपने घर जो है बहुत ही अच्छी तरह से सजाए हुए हैं, ठीक है। उनमें
टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है, मतलब कि वो जो छोटे छोटे घर हैं उनमें भी टेलीफोन भी है और कंप्यूटर भी है, ठीक है। और गांव में सभी के बैठने के लिए बैठक की भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए बच्चों, जो मॉरिशस के गांव हैं वो ऐसे हैं, वहाँ पर एक बैठक की भी व्यवस्था की गई है जहाँ पर गांव के सभी लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने पाठ 8 के प्रश्नोत्तर का रिवीजन किया। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, और साथ ही साथ लर्न भी करने हैं। थैंक यू।